मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ूंगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डाई हार्ड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 9 बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम पार्ट 2। तो हमारी नंबर 9 पे है वेनम, लेट देयर बी कार्नेज। थोड़ा डालो दूध, थोड़ा सा जूस, बटन दबाओ, एसी चलाओ, डालो वो डालो, फिर थोड़ा हिला लो। वेनम लेट देयर बी कार्नेज एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर वेनम पे। इस मूवी को प्रोड्यूस की है कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल ने, और डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स ने। ये मूवी सेकेंड फिल्म है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, जो की एक सीक्वल है वेनम 2018 की। इस मूवी के डायरेक्टर है एंडी सर्किस। फिल्म को फॉलो करें तो एडी और उसके एलियन सिम्बियोट यानी कि वेनम को सामना करना पड़ता है एक सीरियल किलर जो कि आगे जाके एक होस्ट बन जाता है कार्नेट सिम्बियोट का। हमारी नंबर 8 पे है ड्यून पार्ट 1। ड्यून पार्ट 1 एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है डेनिस विलियन्यू ने। ये पहली सेकंड पार्ट अडेप्टेशन है 1965 ड्यून की। ये फिल्म सेट है फार डिस्टेंट फ्यूचर पोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्स में। ड्यून पहले रिलीज होने वाली थी 2020 में, बट COVID-19 पेंडेमिक की वजह से ये फिल्म रिलीज हुई September 2021 में। एक महान शख्स कभी राज करना नहीं चाहता, किस्मत उसे मौका देती है। और अगर तुम्हारा जवाब ना है तब भी तुम मेरे लिए वही रहोगे जो तुम हमेशा से थे, मेरे बेटे। सिर्फ साथ मिलकर ही हम उनका सामना कर सकते हैं। ये एक डायन का टोटका है, तुम्हारे परिवार को किसी ने श्राप दिया। द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है माइकल चावेज। ये फिल्म सिक्वल है कंज्यूरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि एक 7th इंस्टॉलमेंट है कंज्यूरिंग यूनिवर्स की, जो एक डेमोनी केस है जिसे पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया था। ये फिल्म ओरिजिनली रिलीज होने वाली थी 2020 बट ड्यू टू पैंडेमिक द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी टू डू इट इट वॉज रिलीज बाय वार्नर ब्रदर्स एंड न्यू लाइन सिनेमा इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन June 21। द कंज्यूरिंग पार्ट 1 के डायरेक्टर वॉन ने एंटरटेनमेंट वीकली में ये कहा था कि इस फिल्म के मेकर्स हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्क्रिप्ट को अच्छी बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। डायरेक्टर वॉन ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये फिल्म पर वो काम नहीं कर सकेंगे ड्यू टू देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट। लोरेन, हमारी नेक्स्ट फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। ये फिल्म बेस्ड है मार्वल कॉमिक बुक के कैरेक्टर स्पाइडरमैन के ऊपर। इस मूवी के को प्रोड्यूसर है सोनी पिक्चर्स एंड मार्वल स्टूडियोज। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की गई थी सोनी पिक्चर्स के द्वारा। स्पाइडरमैन नो वे होम एक सीक्वल है स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की, जो कि 27th फिल्म है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। ये मूवी डायरेक्ट की है जॉन वॉट्स ने। इस फिल्म में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहता है कि ऐसा मैजिक यूज करो कि दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल जाए, लेकिन पीटर की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से उनकी दुनिया में मल्टीवर्स खुल जाता है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है नो टाइम टू डाई। टाइम टू डाई एक स्पाई फिल्म है और 25th फिल्म है जेम्स बॉन्ड सीरीज की। नो टाइम टू डाई प्रोड्यूस बाय इयोन प्रोडक्शन एज अ स्टारिंग डेनियल क्रेग। ये मूवी डेनियल क्रेग की 5th मूवी है एज अ फाइनल पोर्ट्रेयल एजेंट जेम्स बॉन्ड। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है 007 को, जिन्होंने MI6 को छोड़ दिया था, और बाद में CIA उन्हें रिक्रूट करता है एक पावरफुल एडवर्सरी आर्म टेक्नोलॉजी को शट डाउन करने के लिए। हमारी नंबर 4 पे है ब्लैक विडो। तुम्हारा हस्बैंड इंटीरियर का काम करता है। कहानी यह है कि तुम्हें वापस आना है, लेकिन घर के लिए लोन नहीं मिल रही। ये मेरी कहानी नहीं हो सकती।
ब्लैक विडो एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस है मार्वल कॉमिक के ऊपर। ये मूवी प्रोड्यूस की है मार्वल स्टूडियोज ने और डिस्ट्रीब्यूट की है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 24th फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है केट शॉर्टलैंड। ये फिल्म सेट है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट के बाद। ये फिल्म रिलीज हुई थी जून 29, 2021 में। अब एक ही रास्ता बाकी है। नताशा सीधे बैठो। सीधा ही तो बैठी हूँ, झुकोगी तो खुपड़ी हो जाओगी। मम्मी सही कह रही है। ओह माय गॉड, ये तो बस बहुत हो गया, तुम सब लोग जरा चुप रहोगे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हद है यार। हमारी नंबर 3 पे है सुसाइड स्क्वाड। हर एक मेंबर को उनकी अपनी अनोखी काबिलियत के वजह से चुना गया है। द सुसाइड स्क्वाड एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। ये फिल्म बेस्ड है डीसी कॉमिक की टीम सुसाइड स्क्वाड के ऊपर। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वार्नर ब्रदर पिक्चर्स की तरफ से और ये डीसी यूनिवर्स की 10वीं फिल्म है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है जेम्स गन। द सुसाइड स्क्वाड थियोरेटिकली प्रीमियर्ड हुई थी जुलाई 21 में। कोई सवाल? हेरा फेरी मूवी में भी स्टारफिश का जिक्र था, उनका कोई कनेक्शन? नहीं नहीं। हमारी नंबर 2 पे है फास्ट एक्स। फास्ट एक्स ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 10 एक अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है लुइस लेट्रियर ने। ये मूवी सीक्वल है फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की। इसके स्टार कास्ट में है विन डीजल एज डोमिनिक टोरेटो। मूवी की कहानी की बात करें तो जेसन मोमोआ एज अ डांते अपने फादर का बदला लेना चाहते हैं डॉम और उसकी फैमिली से। सबसे पहले फास्ट एक्स प्रीमियर हुई थी मई 12, 2023 रोम में और फिर यूनिवर्स पिक्चर्स ने इस फिल्म को रिलीज किया था मई 19, 2023 इन लो आ गए वो। तू मेरे परिवार को कभी तोड़ नहीं पाएगा। हमारी नंबर 1 पे है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर। गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है गारेथ एडवर्ड ने। ये फिल्म प्रोड्यूस की है लेजेंडरी पिक्चर्स ने एंड डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रदर्स। ये एक रिबूट है गॉडजिला फ्रेंचाइज की। ये कहानी फॉलो करती है गॉडजिला और इनके मॉन्स्टर क्रिएचर्स को। मॉन्स्टर यूनिवर्स में एक जीरो नाम का कतई हराम एलियन होता है जो कि अर्थ पे बहुत साल पहले आया होता है। उसे कुछ लोग जगा देते हैं और फिर क्या, तबाही मचाने शुरू कर देता है। फिर हमारे मॉन्स्टर यूनिवर्स के सारे मॉन्स्टर्स और गॉडजिला सब लोग मिल के उसका सामना करते हैं। ये गॉडजिला की दुनिया है, हम तो सिर्फ इसमें रहते हैं। Godzilla 2, King of the Monsters. Thanks for watching and tell me which is your favorite movie. And I know that you have many suggestions, so tell me in the comment section.